Adolescence. किशोरावस्था की उम्र पर पहुंचने पर, किशोरावस्था की दहलीज पर पहुंचने पर, एक होते हैं बच्चे फिर होते हैं किशोर फिर होते हैं वयस्क, तो अभी ये किशोरावस्था, दिस इज द टीन एज। टीन एज को ही एडोलेसेंस एज भी कहते हैं। दैट इज व्हेन वी बिकम 13 एंड अप टू 19। देयर आर द वेरियस बॉडी चेंजेस एंड सच एज इज नोन एज एडोलेसेंट एज। ये चिल्ड्रन की एज नहीं होती है, क्योंकि बॉडी में बहुत कुछ चेंज होते हैं। अभी तक हम बच्चे थे, लेकिन हमारी बॉडी में कुछ ऐसे चेंज होंगे कि जिससे हमें बच्चों को जन्म देना है, और इस वजह से इस एज को हम क्या कहते हैं, एडोलेसेंस। क्योंकि जो बच्चा नया पैदा होता है उससे माँ बाप ये नहीं कह रही बच्चा दो, बेचारा खुद ही पैदा हुआ बच्चा क्यों नहीं पैदा। मान लो एक महीने का बच्चा पैदा हो गया, अभी नया नया फ्लावर है, उसे कहा तो फल दो तो क्या वो दे पाएगा? नहीं। एक एज होती है, पहले तो हमारी बॉडी में ही चेंज होंगे। सो व्हेन आवर बॉडी बिकम्स स्ट्रांग तो ही तो हम किसी बच्चे को रख पाएंगे, क्योंकि वो अभी खुद ही जो छोटा बच्चा है वो 4.5 किलो का है, उसे कहे तो 4.5 किलो का बच्चा अपने पेट में रखो, खुद चल नहीं पा रहा, रख पाएगा तो वो तो खुद ही मर जाएगा। तो इसलिए हम लोगों की बॉडी में सर्टेन चेंजेस होने चाहिए, ठीक है। प्यूबर्टी तो आ जाती है, प्यूबर्टी ऐसा नहीं है, प्यूबर्टी तो हम लोगों में बॉयज़ में 12 to 14 ईयर्स की एज में आ जाती है, स्पंक्स रिलीज होने लगते हैं, और जो गर्ल्स हैं उनमें मेंस्ट्रुएशन आने लगता है। लेकिन ऐसा होने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो गर्ल अभी बेबी को अपने वॉम्ब में रख सकती है, बिकॉज अभी उसकी खुद की ही बॉडी स्ट्रांग नहीं है। तो इसलिए प्यूबर्टी इज नॉट द केस दैट समबडी कैन डिलीवर ए चाइल्ड। उसके पहले हमें कैसा होना होगा, बॉडीली भी स्ट्रांग होना होगा, मेंटली कि यस हम इस बेबी को केयर कर पाएंगे। जो खुद ही चॉकलेट के लिए दौड़ता फिरता वो बच्चे की चॉकलेट की जरूरत कैसे पूरी कर सकता है, बोलो, उसी यहाँ से छीन के खा लेगा। तो इसलिए इतना ही नहीं, फिजिकली हमें स्ट्रांग होना है। फिजिकली स्ट्रांग होने के लिए 21 ईयर्स एक बॉयज की एज होनी चाहिए, और गर्ल की एज भी 18 ईयर्स तो होनी चाहिए कम से कम। इसके पहले कई देशों में देखा गया है, जहाँ पर अभी तो इराक में हो गया कि 9 वर्ष की लड़की की भी शादी कर देनी चाहिए, लेकिन क्या ऐसा सोचते हो कि जो 9 ईयर्स की गर्ल होगी वो अपने वो बेबी कैरी कर पाएगी? ऐसे केस में जो जच्चा और बच्चा दोनों की डेथ हो जाएगी। एक होता है बच्चा और एक होती है जच्चा, जो जन्म दे वो जच्चा। हर हॉस्पिटल में तुम लोगों ने देखा कि जच्चा और बच्चा दोनों अपनी देखभाल करेंगे। तो इसलिए हम लोगों को 3 चीजें मैंने बताई, कौन कौन सी, दैट इज फिजिकली स्ट्रांग हो, मेंटली प्रिपेयर हो, यस व्हाट एवर इज द इनकमिंग बेबी उसको हमें कैसे रखना है, कैसे उसका स्कूल में एडमिशन कराना है, वो सब हमें आना चाहिए। और इसके अलावा इकोनॉमिकली भी तो हमको पैसा संपन्न होना चाहिए, हम अपनी ज़रूरत नहीं पूरी कर पा रहे, उस बच्चे की कैसे ज़रूरत पूरी कर पाएंगे। तो जब ये 3 चीज़ें हो जाती है, देन ओनली वी आर सपोज्ड टू डिलीवर ए चाइल्ड। तो इसलिए एक एज होती है जो प्यूबर्टी के बाद से शुरू होती है, और उसमें हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, मोस्टेज आने लगती हैं, बियर्ड आने लगती हैं, और भी बहुत सारी चेंजेस होने लगते हैं, हमारी स्किन में बाल आने लगते हैं, हमारे गोनाड्स हार्ड होने लगते हैं, ब्लैक होने लगते हैं, थाइज मजबूत होने लगती हैं, चेस्ट मजबूत होने लगता है। तुमने कभी शमशान घाट पर गए हो? तो जब वहाँ पर तुम जाना तो आदमी जो होंगे उनका शरीर जब जलेगा तो सबसे लास्ट में चेस्ट जलता है, क्योंकि ये लोहे की तरह मजबूत होता है, और जो औरतें जलेंगी तो सबसे लास्ट में उनकी थाइज जलती है। क्यों? क्योंकि इसी थाइज पर वो 4.5 किलो का बच्चा कैरी करती हैं। अगर थाइज ना मजबूत हो तो वो बच्चा, आदमियों के पैर पतले होंगे लेकिन औरतों की जो थाइज होगी वो कैसी होगी, ब्रोडर होगी। तो ये सब चेंजेस कब आएंगे, दीज आर इन द एज ऑफ एडोलेसेंस, ये किशोरावस्था में आएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? सो दीज आर द चेंजेस विच इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। अगर ऐसे चेंज ना हो तो हमारा जो अंदर का चेंज है ये हार्मोनल चेंज है। हार्मोनल चेंज का क्या मतलब है, जो फीमेल जो मेल है उनमें टेस्टीज में एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन मेल को
स्टिफ बनाता है, हार्ड बनाता है, कैसा बनाएगा, और साथ में उसकी वॉइस में क्रैक भी ले आएगा। जब छोटा बच्चा है तो उसकी आवाज जो भी होगी, छोटे बच्चों की सबकी एक जैसी मीठी होती है, लेकिन प्यूबर्टी आने के बाद जब स्पर्म रिलीज होने लगेगा तो लड़कों की आवाज में डीपर हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, उनकी आवाज मर्दाना हो जाएगी, और जबकि वही फीमेल में जब प्यूबर्टी आ जाएगी तो उनकी आवाज मेलोडियस हो जाएगी। जहां मेल स्टिफर हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं कि उनको हाथ मारो तो हाथ टूट जाए, वहीं पर फीमेल और टेंडर हो जाती हैं, कोमल। तो इस तरीके से ये चीज़ें क्यों रिक्वायर्ड हैं। मेल के बियर्ड आने लगता है इस तरीके से, जबकि फीमेल की बॉडी में हेयर नहीं आते, ऐसा क्यों रिक्वायर्ड है, क्यों? क्योंकि अगर एक ही जैसे सबकी बॉडी हो तो ये कहा जाए कि करीना कपूर जो है कैटरीना कैफ से शादी कर ले तो वो कहेगी अरे उस मरीज से क्या शादी करना, जबकि दोनों ही सुंदर हैं। वी आर गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स कंट्रास्ट। अगर कंट्रास्ट ना हो तो कोई अपना महंगी सैलरी किसी पे खर्च करेगा, बताओ, नहीं खर्च कर सकता। और कंट्रास्ट में वही करीना कपूर एक अफ्रीकन काले भुजंग नीग्रो पर मर जाएगी, उसको दिल दे बैठेगी, और कैटरीना कैसे नहीं कर रही शादी, तो क्यों? बिकॉज इट इज द एक्सटर्नल अपियरेंस विच ऑल्सो मैटर्स। अगर ये ना हो तो फिर इस तरीके से हमारी स्पीसीज ना चल पाए। हम आज यहाँ हैं क्योंकि हमारे दादे परदादे ने रिप्रोडक्शन किया तो हम प्रोड्यूस हुए। अगर वो भी इटली वालों की तरह हो जाते, इटली वाले कहते हैं पिछले 6 महीने से उन्होंने कोई बच्चा ही नहीं पैदा किया, बोलते हैं कि हम बच्चे नहीं पैदा करेंगे, हमको आगे नहीं बढ़ना, हम खुद खाएंगे पियेंगे सैलरी उड़ाएंगे मजे करेंगे। तो अगर सभी लोग पूरे दुनिया के ऐसा हो जाए, यूरोपियन कंट्रीज में यही टेंडेंसी है, जापान में भी यही चल रही है, जापानीज डू नॉट फील, वहाँ पर बूढ़े बूढ़े लोग हैं, जो सबसे यंग होगा वो भी 20-22 साल का ही होगा, कुछ बच्चे हैं किसी किसी के घर में, नहीं तो कहीं नहीं। तो आप समझ लीजिए, इट इज वी आर रिप्रोड्यूसिंग, दैट्स वाई ह्यूमन स्पीसीज रन्स। बात समझ में आ गई कि नहीं? सो कब कैसी क्राइटेरिया है, क्या क्या होता है, दैट वी विल लर्न इन दिस चैप्टर। Okay. Adolescence and puberty. Okay. Adolescence and puberty. So. When the changes taking place in body in addition to body growth is called adolescence. इसे एडोलेसेंस कहेंगे। दीज चेंजेस एंड मैच्योरिटी, जो मैच्योरिटी है इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है, टू आवर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, टू आवर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। और ये एक दो दिन की चीज नहीं है, ये चीज है 13 साल से 19 साल, टीनेज। ये कब होती है बताओ? टीनेज। सच काइंड ऑफ चेंजेस एंड मैच्योरिटी टेक्स प्लेस फ्रॉम टीनेज एंड अप टू बिकमिंग एडल्ट। 21 साल तक होती रहेगी, 13 साल से शुरू हो जाएगी। सो सच चेंजेस आर टेकिंग place from puberty, जब puberty होगी, puberty जो होती है release of sperm and ova, वो तब होती है, लड़कियों में 10 से 12 साल में होगी और लड़कों में 12 से 14 साल, 12-14 years, ठीक है। So ये puberty से शुरू होगी and continues up to, और कब तक जारी रहेगी, getting adult. तो इस पीरियड को क्या कहते हैं? इन एडिशन इट इज नोन एज
एडोलेसेंस लिखो, यानी किशोरावस्था। इस समय जो बच्चे हैं उनको सबसे ज्यादा अटेंशन की जरूरत होती है। अभीश जब घर जाता होगा तो इसकी मम्मी जूस लिए खड़ी रहती होंगी, कभी मौसमी जूस कभी नारंगी का जूस। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है ये बच्चा बड़ा हो रहा है, इसकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हो रही है, इसको ये खिला दो वो खिला दो। और पहला ये दीवार नोच के चूना भी खाता था तो कोई कुछ नहीं पूछता, लेकिन अब हर कोई इसका ध्यान रख रहा है। कैसे? बिकॉज द अवीश इज गेटिंग एडोलेसेंट। तो देखिए, इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्यूबर्टी। व्हाट इज प्यूबर्टी? द एज एट विच रिप्रोडक्टिव चेंजेस स्टार्ट्स इन बॉडी। या ये भी कह सकते हैं कि बॉयज स्टार्ट्स रिलीजिंग स्पर्म एंड गर्ल्स हैव मेंस्ट्रुएशन। एग होगा तो उसी महीने से मेंस्ट्रुएशन हो जाए, क्योंकि एग डाई होगा तो अंदर की पूरी एंडोमेट्रियम ही उसमें क्रैक हो जाएगी। तो इसलिए द एज एट विच क्या होगा बताइए, कि बॉयज अंडरगोस सीमेंट, हाँ, स्टार्ट्स रिलीजिंग स्पर्म। ये कौन सी एज होगी? दैट इज 12 to 14 years। यानी इसको कहते हैं ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। क्या कहेंगे? ऑनसेट ऑफ। एंड गर्ल्स स्टार्ट रिलीजिंग एग्स एंड हैव मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुएशन में मंगल कुछ अंतर है क्या? है अंतर। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ए साइकिल ऑफ 28 डेज। हाउएवर मेंस्ट्रुएशन इज द वेजाइनल फ्लो ऑफ ब्लड एंड म्यूकस। दोनों में फर्क है। कुछ लोगों ने पिछले संडे टेस्ट में एक ही मान के लिखा है, इसलिए पूछा। दोनों में फर्क है। मेंस्ट्रुएशन यानी मासिक धर्म, इट इज द फ्लो ऑफ ब्लड एंड म्यूकस। मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा 28 दिन का साइकिल होता है, सही है? इट इज, एक बच्चे ने सिर्फ सही लिखा है, वो किसने लिखा? मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ ब्लड लाइनिंग एट एंडोमेट्रियम। आपने लिखा ना, ये बहुत सही है। दैट इज, इट इज नोन एज एग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जब से मेंस्ट्रुअल साइकिल लड़कियों में हो, एग रिलीज होना वो उनकी प्यूबर्टी है। तो ये कब होगा? 10 to 12 years। लड़कियां जल्दी मैच्योर होती हैं, इसलिए उनकी 18 साल की उम्र रखी गई शादी की। और बॉयज लेट में मैच्योर होते हैं। मेंटल मैच्योरिटी भी बॉयज में देर में आती है। या ये कहा जा सकता है कि लड़कों की ग्रोथ कब तक होती रहती है, बताओ शरीर की? 21 साल तक। और लड़कियों को जितना बढ़ना होता है 18 ईयर्स तक में उतनी बढ़ लेती है, फिर उसके बाद एक इंच भी नहीं बढ़ती। शुरू में अप टू 8th तक लड़कियां तेज बढ़ेंगी। तुम देख लो लड़कियां ज्यादा हैं, लड़के छोटे हैं। लेकिन अब 9th से उल्टा होने लगेगा, लड़के तेज बढ़ेंगे। सो दिस इज द साइकिल हाउ द ग्रोथ स्टेज। बात समझ में आई कि नहीं? छोटे सभी क्लासेस में आप देख लो, लड़कियों की हाइट और कद काठी बड़ी होगी, लड़कों की छोटी। लेकिन 9th के आते ही क्या होगा बोलो? लड़कों में ग्रोथ तेजी हो जाएगी, क्योंकि अब उन्हें 21 तक पहुंचना है और लड़कियों की सिचुएशन है, उन्हें तो 18 आने वाला है। ये चीज तो लिख सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव ग्रोथ आल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम प्यूबर्टी। कहां से होगी? प्यूबर्टी। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ आल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम प्यूबर्टी। अब देखो, दैट इज changes in body in boys at the time of puberty. At puberty, जो छोटे बच्चे होंगे उनके स्वेट में या पसीने में दुर्गंध नहीं होती है, लेकिन प्यूबर्टी आने के बाद दुर्गंध होने लगती है, तो अब डिओडोरेंट लगाना आवश्यक।
सो दैट इज वॉइस में भी चेंज सब में, यानी ये एक ऐसा एज है प्यूबर्टी के बाद एडोलेसेंस का जब इट इज स्वेट इज स्मेलिंग फाउल, बदबूदार होगा, तो ऐसे में क्या करना होगा, दैट इज पहली बात कि वॉइस स्टार्ट्स रिलीजिंग स्पर्म, बॉडी स्टार्ट्स गेटिंग स्टिफर एंड हार्डर, स्टिफ हो जाएगी एंड मस्कुलर हो सकता है, यहाँ पर कुछ बनने लगे बाइसेप्स ट्राइसेप्स, एक पैग दो पैग ऐसे दिखाएंगे जैसे सिक्स पैग्स है, मान लो पैग्स लगा के आए, हाँ ऐसे दिखाएंगे स्वेट स्मेल्स फाउल, पसीने में दुर्गंध आने लगेगी। फिफ्थ, दैट इज देयर आर बॉडी हेयर स्टार्ट्स ग्रोइंग, बॉडी हेयर स्टार्ट्स ग्रोइंग, बियर्ड एंड मुस्टेच स्टार्ट्स ग्रोइंग, मुझे दाढ़ी आने लगेंगी सर, और हाथों में भी तो आते हैं, बॉडी है वो, बॉडी है। ये सारी चीज होने लगेंगी एंड गोनाड्स स्टार्ट्स बिकमिंग ब्लैक एंड हार्डर स्टिफर। गोनाड्स का क्या मतलब होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्टार्ट्स बिकमिंग स्टिफर, ये ब्लैक होने लगेंगे, ये ब्लैक होने लगेंगे, मैच्योर होने लगेंगे, ठीक है। नाउ दीज आर द चेंज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। आपकी बुक में चार्ट दिया हुआ है जिसमें दिखाया जा रहा है लड़कियों की हाइट शुरू में तेजी से बढ़ रही है और लड़कों की बाद में। अगले पेज पे देखो चार्ट, इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जरा देखो अभी तुम्हारी कितनी एज होगी गौरव, मेरी 13 होगी, तो 13 में यहाँ देखो गर्ल्स अपनी एज अपनी हाइट का 95% अचीव कर चुकी हैं, यानी जितनी भी लड़कियां हैं 13 एज में अभी 95% है, अब इन्हें 5% ही और हाइट मिली, लेकिन अभी तक बॉयज ने कितना अचीव किया, 88% अभी आपको 12% और हाइट मिलेगी 13, अगर सभी की 13 मान ले कोई दो महीना इधर उधर होगा बस, ज्यादा नहीं होगा, तो अभी 13 में इन्होंने 95% अभी अपनी हाइट गेन कर ली है, और लेकिन अभी आप लोगों ने कितनी की है, अभी आपको 12% हाइट और, तो लास्ट में ये धीरे धीरे कर रही है और बॉयज तेजी तेजी कर। चलिए ये सारी चीजें सुन लो, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स, ये सब कैसे हैं जो एक्सटर्नल फीचर्स हमारी बॉडी में आ रहे हैं, किस लिए, जिससे कि कंट्रास्ट आ सके, इसको कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर। तो ये सारी चीजें आने लगेंगी एंड दैट इज इरेक्शन इन पीनस इज ऑफन ऑब्जर्व, इज ऑफन ऑब्जर्व, जहाँ पहले लड़के जाके लड़कियों से भिड़ के निकल जाया करते थे, नाउ बॉडी कंसर्न्ड इज ग्रोन, बच्चे खेला करते थे लड़के लड़कियां एक ही ग्रुप में,
लेकिन प्यूबर्टी के आने पर अब लड़के लड़कियां एक साथ नहीं खेलते। लड़के होंगे तो वो दूर खड़े होकर फुसफुसाहट में लड़कियों की बातें करेंगे और लड़कियां सोचेंगी क्या ये हमारे बारे में बात करें। सो दे आर गेटिंग कंसर्न, इसको कहते हैं बॉडी कंसर्न। अब लड़का जाएगा तो लड़कियों के पास से बच के निकलता हो जाए और लड़कियां भी ऐसा करेंगी, और पहले भिड़ के निकल जाते थे क्योंकि बॉडी का कंसर्न ही नहीं था। तो इस तरीके से क्या चीज है, बोलो नाइन्थ पॉइंट क्या है, बॉडी कंसर्न आल्सो डेवलप्स। ये बात समझ आ गई, किस चीज का कंसर्न डेवलप हो जाएगा? चलिए, सो दीज आर द चेंजेस। हमने इसमें लिख दिया कि चेस्ट बिकम्स मस्कुलर, चेस्ट भी मस्कुलर हो गया, चेस्ट ब्रॉडर हो गया। आगे देखो, दैट इज चेस्ट बिकम्स ब्रॉडर नाउ चेंजेस इन गर्ल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। लड़कियों में जब प्यूबर्टी आएगी 10 से 12 साल में उसको कहते हैं मीनार्की, और 48 साल की जब हो जाएंगी तो मेनापॉज, वो आखिरी अंडा होगा जब वो रिलीज होगा, 48 के बाद सारे मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद, क्योंकि जो हमारा मदर स्वॉम्ब है वो इतना ढीला पड़ चुका होगा कि अब उसमें बच्चा होगा तो टिक नहीं पाएगा। सो दैट मीन्स लास्ट एज है। लेकिन कहीं कहीं उज्बेकिस्तान में 80-80 साल की औरतें भी बच्चों को जन्म देती हैं। वो लोग विस्की पीती हैं, ब्रांडी पीती हैं और खूब सेब खाती हैं, अलग अलग है उनका काम है कि वो एप्पल की ब्रांडी पीती हैं और सेब खाएंगी, यही सब खाती, बहुत हेल्दी डाइट। एप्पल की क्या पीती है? ब्रांडी। एप्पल को सड़ाया जाता है, उससे जो उसका वेपर्स निकलता है उससे ब्रांडी बनती है, उसको पीती है। चलो कहीं कहीं ऐसा होता है, दैट इज चेंजेस इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। देखो पहला क्या होगा, ऐसे समय में जितने भी चेंजेस हैं इनमें किसकी वजह से हैं? टेस्टोस्टेरोन की वजह से। कौन सा हार्मोन है जो टेस्टीज रिलीज कर रहे हैं? टेस्टीज या स्क्रोटम में जो टेस्टीज है ना, पेयर ऑफ टेस्टीज, उससे कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन। और जो फीमेल में दो ओवरी थी उनसे क्या निकलता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। कौन से दो हार्मोन? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों निकलेंगे। जो भी हो उनकी वजह से ये चेंज है, वो इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। चलो तो पहला ब्रॉडर लिखा हुआ है, जो चेस्ट वाले भी लिखा हुआ लास्ट में, टेंथ में चेस्ट बिकम्स ब्रॉडर, अब तुम्हारा सीना चौड़ा हो जाएगा। समझ आई बात कि नहीं? अब देखो चेंजेस इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, गर्ल्स स्टार्ट रिलीजिंग एग्स एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स। Releasing eggs and now voice becomes melodious. अब सबकी तो लता मंगेशकर की तरह नहीं हो सकती, लेकिन स्किन बिकम्स टेंडर। टेंडर, टेंडर का मतलब कोमल, क्योंकि उनको बेबी को रखना होगा ना, अपने अपने अंदर बेबी रख, बेबी खुद ही कितना कोमल होता है। फोर्थ, दैट इज मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप्स। हम लोग मैमल्स हैं, बच्चों को दूध पिलाते हैं तो मेमोरी ग्लैंड्स भी होने चाहिए। पहले हम लोग दूध नहीं पिलाते थे, पहले ऐसा होता था कि हम लोग पानी में रहते थे, मछली थे। कैसे हमारा इवोल्यूशन हुआ?
तो मछलियों में इतनी भीड़ भर गई पानी में, खाने की मारा मारी होने लगी, कुछ बाहर आ गए। अब जो बाहर आ गए वो एम्फीबियन हुए, फ्रॉग। लेकिन उनको भी क्या पानी में ही जाकर के रिप्रोडक्शन करना पड़ता? देखो फ्रॉग हमने दिखाया, लार्वा होता है कि नहीं। कभी कभी यही लोग एम्फीबियंस या फ्रॉग दूर निकल गए, अब वो पानी उनके पास बचा ही नहीं, तो बताओ अब रिप्रोड्यूस कैसे करें। उनको रेप्टाइल कहने लग गए, मगरमच्छ, छिपकली। वहाँ पर भी बहुत कंपटीशन हुआ, तो वो चिड़िया बन गए, एविस पक्षी। और अब जो एविस बन गए वो अपने अंडे नीचे देने लग गए, लेकिन उनके अंडे रेप्टाइल सांप लोग खा जाते थे। उन्होंने कहा ये बड़ी दिक्कत है, हम अब खाना ढूंढने जाते हैं, आप अच्छे खा लेते हैं। उन्होंने कहा हम अपने पेट में रखेंगे और उनको जन्म देंगे और फिर उन्हीं को हम पालेंगे पोसेंगे, नहीं तो सांप ना खा सकेंगे, तब हम लोग मैमल्स हैं और तब हमारे मेमोरी ग्लैंड्स हैं। बात समझाएंगे सारे, तो इससे तो मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप हो जाएंगे और दैट इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और डेवलप होने लगेंगे। जहाँ पहले ओवरी ये फैलोपियन ट्यूब ये सब छोटी होंगी, ये बड़ी होने लगेंगी, डेवलप होने लगेगा, प्यूबिक रीजन बिकम्स और भी ग्रो करेगा, ब्लैक एंड हार्डर, उसमें भी बाल आ जाएंगे, उसे प्यूबिक रीजन कहते हैं। गोनाड का दूसरा नाम क्या है? गोनाड का दूसरा नाम है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या इसे प्यूबिक रीजन कुछ भी कहा जाए, एक ही समझ में आता है। बिकम्स दोनों में होगा, हार्डर एंड ब्लैकर एंड ब्लैक, ठीक है, इतनी चीज होगी। और कुछ होगा कर सकते हैं, यही थाइस, थाइस बिकम्स ब्रॉडर, ये सारी चीजें। अब देखो सर वो ऑर्गन की बात क्या है फिफ्थ में? प्यूबिक रीजन, प्यूबिक। चलो अगले पेज पे आओ। तो ये हम लोगों ने देख लिया चेंज इन प्यूबर्टी। नेक्स्ट इज इन इनिशियल स्टेज। गर्ल्स सुनो, गर्ल्स क्या होंगी? द ग्रोथ इन गर्ल्स इन इनिशियल स्टेज इज अटेंड फर्स्ट, however in boys it is attained in later stage। ये बात तो समझ में आ गई। और क्या इसका फॉर्मूला है? जरा देखो, कैलकुलेशन ऑफ फुल हाइट। तो फुल हाइट हमें कितनी मिलेगी सर? हाँ वो सेवेंथ में क्या लिखा है बॉयज गोनाड्स जो स्क्रोटम है पीनस है ये सब काला होने लगे। ये सब अब देखो फुल हाइट में डालो, तुमको अपनी हाइट पता है अभी कितनी है? जितनी भी है 158 सुन लो, उससे भी नहीं देना। कितना तुम पाओगे हाइट? तो प्रेजेंट हाइट सबसे अभी क्या लिखो? मेरा चौड़े होने लगे। अब देखो प्रेजेंट हाइट डिवाइडेड बाय क्या है? परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दैट एज, ठीक है, और इन 200। मान लीजिए अभी प्रेजेंट हाइट आपकी 150 है, 150 ले लेते हैं थोड़ी देर, ठीक है 160 ले लेते हैं, 160 ले ली। और आप इस समय 13 इयर्स के, हमने सबको मान लिया 13 बोला तो लगभग 13 इयर्स में बताओ बॉयज ने कितनी पाली है? 88% है। तो इसमें किससे डिवाइड करो? 88 और इन 200 करो, तो इसका मतलब जो 160 वाला है वो कितना उसकी सैचुरेटेड हाइट होगी या कंप्लीट हाइट? तो इसके लिए क्या करें? 11 20 ऊपर 20 नीचे 44 और यहाँ कितना बताओ? 8 दैट इज, अच्छा ये 8 से कट करना है, 11 और ये 20 20। अब इसे लिखो कितना हुआ? 2000 बटे 11, 11 से इसको करो
0 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
तो इनएनिमेट का 88 2 88 2 बच गया लेकिन अभी भी बचा 20 11 माने 9 फिर 9 बचेगा 90 तो 181.8 अगर इतनी किसी की है 160 है किसी की अगर 160 है तो कितने सेंटीमीटर पहुंचेगा करेक्ट नहीं आएगा इससे ज्यादा जाएगी यही बहुत ज्यादा अच्छा फिट का कौन होता है ठीक है नहीं वैसे भाई ऐसा करेक्ट नहीं कि ऊपर भी जाए और नीचे भी जाए वो एग्जांपल देखो इसमें लिखा है कि एक लड़का 9 इयर्स का है और वो 120 सेंटीमीटर का है उसी के नीचे पढ़ो एग्जांपल तो पढ़ो ना ये पढ़ो 9 साल का लड़का 120 का है तो वो बॉय की दर्द बॉय का कितना हो जाता है 9 चलो मेरी ये राइटिंग भी है अरे ऐसे लिखना स्पेस करो ओके सुनो इस क्वेश्चन में बोलो 9 इयर्स में कितना उसने अचीव कर लिया होगा अपने आप हैज अटेंड 75% ऑफ हिज हाइट बोलिए कंप्लीट हाइट का क्या फॉर्मूला है कंप्लीट हाइट इसका मतलब है प्रेजेंट हाइट अपॉन परसेंट ऑफ परसेंट ऑफ हाइट अटेन और इन 200 दीदी बताओ क्या क्या काम का लिखा है प्रेजेंट हाइट में सर 120 25 से इसको कट करो तो 3 से इसको कट करो 40 तो 160 सेंटीमीटर वो पहुंच जाए ठीक है ये कैलकुलेशन ध्यान रखो इस बात अब जरा देखो एक ग्राफ दिया गया ठीक है ग्राफ में क्या दिया गया है कि जो गर्ल्स हैं वो ब्लू से दिखाई गई हैं तो अब आप देखो कि जो गर्ल्स हैं वो 14 इयर्स तक अपनी सारी हाइट पा लेती हैं 14 ये देखो ये 14 है 14 इयर्स और ये बिल्कुल शुरू है That is 8 years. 8 years में इतनी है तो 14 में इतनी हो गई अच्छा बॉयज में क्या देखो कि बॉयज हमेशा शुरू में छोटे ही रहेंगे और बाद में क्या होंगे बोलो ये यहाँ पे पाएंगे और हो सकता है गर्ल्स इतनी रह जाए बॉयज आगे भी लग देखो ये बॉयज वाला जो ग्राफ है कहीं आगे जा रहा है ये दोनों का ये दिखाया गया है जो नीचे है वो बॉयज है
ये देखो, और ये क्या है? ये डल्स का है। समझो इस चीज को, ये 21 इयर्स में क्या हाल होगा? 21 इयर्स में देखो, बॉयज ने अपनी मैक्सिमम हाइट 95% तक अटेन की। जब ये 18 में आएंगे तब तक ही अटेन करेंगे, ये बॉयज हैं। और ये गर्ल्स हैं, इतनी बात समझ आई? जबकि गर्ल्स ने 14 साल तक में अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर ली, थोड़ी ही और बढ़ेंगी और हो सकता है। तो ये ग्राफ है और ये हाइट है, ये एज है, दिस इज एज, दिस इज। अब देखो, दैट इज जो बॉयज हैं उनका रीजन अबव वेस्ट आर ब्रॉडर। बॉयज में ऊपर का शरीर चौड़ा होता है, ये चीज, और जबकि गर्ल्स में द रीजन बिलो वेस्ट इज ब्रॉडर, चेंज इन बॉडी साइज। पढ़ो, ठीक है? तो बॉय अगर होगा तो उसके बाइसेप डेवलप होगा क्या? और ऐसी स्थिति में वो सबको अपने बाइसेप दिखाता फिरेगा। और ये अच्छा, नीचे वो पतला रहेगा लेकिन उसका जो सीना होगा वो चौड़ा हो जाएगा क्या? भाई चौड़ा हो जाएगा ना, ये गौरव सोचे हमारा ही चित्त पर। मैंने कहा ज्यादा सुर है क्या? देखिए ज्यादा सुर है, अरे मैं थोड़ी ना हूँ। बाइसेप और ट्राइसेप बनने लगा कि नहीं? मेरा कहने का मतलब है, इन बॉयज द रीजन अबव वेस्ट बिकम्स ब्रॉडर। क्योंकि उन्हें बच्चे को रखना है क्या? ये हमेशा ध्यान रखना। तो बिलो वेस्ट इनमें बड़ा है और इनमें ओके। तो इस लाइन को लिखो, अगर मान लीजिए प्रीति ब्लैंक्स है, आता ही आप ये देख लो, जो मल्लाह औरतें होती हैं, जो फिश मछुआरन, उनको पीछे से देखो तो ऐसे डर लग जाए। आप ये समझ लो, बच्चों को जन्म देने के एक हफ्ते बाद फिर मछली पकड़ने निकल जाती है, तो इतनी इतने समझो शक्तिशाली। So it is in boys the region above waist is broader and in girls the region below waist is broader. इसका मतलब समझ में आ गया ना, पर्पस क्या है? इन बॉयज रीजन अबव वेस्ट ब्रॉडर और इन गर्ल्स, अगर जानते हो तो बताओ, इस सेंटेंस को कंप्लीट करो। करो इन बॉयज रीजन अबव वेस्ट इन ब्रॉडर इन गर्ल्स इन बिलो रीजन बिलो द वेस्ट इज ब्रॉडर डिवाइडर डिवाइडर इज ब्रॉडर। सही ब्रॉडर तो सुन गलत है। चलो आगे पढ़ो, डिवाइडर वाला ब्रॉडर। अब आगे देखिए, दैट इज राइट डाउन द चेंजेस अकरिंग इन बॉयज ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड गर्ल्स। सर कितने आते हो? पांच। बॉयज में 10 हैं, आप उसमें 7 लिख दो, लेकिन गर्ल्स के पूरे लिखो। सर सारे पूरे याद हो पांच ही हैं गर्ल्स में, दोनों पे 6 लिख दो सर। भाई तो सभी को पेन देना पड़ जाएगा। एंड गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी कौन सा पॉइंट है? नाइन बॉयज का बॉयज का
बॉडी कंसर्न डेवलप बॉडी कंसर्न डेवलप।